अच्छी सी पिक्चर बना रहा हूँ, ठीक है, जिसमें समाज के सारे कस्बे के लोग इकट्ठे बैठ करके पिक्चर देख सकते हैं, एक अच्छी साफ एक अच्छी पिक्चर बनने जा रही है। सर भोजपुरी फिल्म जो है आप सांस्कृतिक बना रहे हैं, तो कलाकार को लेते वक्त किस बात का ध्यान रखते हैं? देखिए हमारे पास में कुछ थीम है जो हमारा एक ट्रायंगल लव स्टोरी है, ठीक है, उसके हिसाब से हमारे जो बेस्ट अदाकार जो हमारे इसमें फिट बैठे उनको हमने लिया है, ठीक है, उनको ध्यान में रखते हुए हमने उनको सिलेक्शन किया है क्योंकि हमारा ट्रायंगल लव स्टोरी है। जी, आपने क्या कहना चाहेंगे कि सब्जेक्ट उसका बताइए कि किस तरह का सब्जेक्ट होगा? सब्जेक्ट को फिलहाल इतना ही कहना चाहूँगा, कुछ टेक्निकल चीज है जो दर्शक के लिए हम छोड़ दिया है, इसका नाम है मेरा तो मुहूर्त कर रहे हैं, कोई बोलना तो पड़ेगा, बताना तो पड़ेगा ना, वो राधा कौन है, वो मीरा कौन है, कौन राधा है, कौन मीरा है, राधा जी से मीरा सामने बैठी है, राधा जी वाले से नहीं आ पाई है, सारा पब्लिक के सामने नहीं रख सकते क्योंकि हम चाहते हैं कि कुछ चीजें ऐसी रहे कि आप लोग पर्दे पे देखें। शिबू जी शूटिंग कहाँ करने वाले हैं? शिबू जी शूटिंग कहाँ करने वाले हैं? ये शूटिंग वैशाली जिले में लालगंज के पास करने वाले हैं। कब से शुरू होगी? बस 15 तारीख से। म्यूजिक आज म्यूजिक से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, म्यूजिक के बारे में क्या स्पेशल है? सॉरी, म्यूजिक में स्पेशल क्या होगा इस बार आपका? म्यूजिक हर गाना इसमें कंट किए है और ये संगीत प्रिय फिल्म है, गाने काफी अच्छे इसमें कंट किए रहते हैं। जो है आप क्या कहना चाहेंगे आपके किरदार के बारे में? और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये जो राधा और ये जो मीरा करने के लिए। सबसे पहले तो सिंधु सर का धन्यवाद और राजीव सर का धन्यवाद कि इन्होंने मुझे सिलेक्ट किया और इस काफी संख्या के साथ एक जोड़ा कर सकती है, तो मैं बहुत खुश हूँ और मैं पूरी कोशिश करूँगी जहाँ तक होगा उसमें भी एक्स्ट्रा करूँगी कि मैं अच्छा परफॉर्म करूँ, तो आगे भी सर हमें ले और अपने साथ काम करने का मौका दें। जोया जी, जोया जी मणि भट्टाचार्य को अभी कुछ अराचकों ने मारा था, उनको चोट लगी थी, आप कितने डरे हैं? वहाँ भोजपुरी फिल्म होने वाली है शूटिंग के लिए, कितने डरे हुए? तो ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो ना चाहते हैं कि हरकतें करते रहते हैं, कुछ हमारे ऑडियंस का प्यार होता है जो उस तरीके से दिखाते हैं, उसको है अपने अंदर तो वो डर सा है, बट अभी क्या कर सकते हैं। हीरोइन डर गई तो फिल्म कैसे चले? सर सर आप आपका क्या किरदार है इस बारे में जरा कुछ खुलासा करेंगे? मेरा नाम रोहित चतुर्वेदी है। सर मैं परिचय देता हूँ, ये रोहित चतुर्वेदी हैं और इस फिल्म के मुख्य नायक हैं। मुख्य नायक जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, और क्या कहना, आपका भी स्वागत है, क्या कहना चाहेंगे अपने किरदार को लेकर, कितने एक्साइटेड है इस फिल्म को लेकर? शिबू जी उसको बीच मिठाई नहीं कैच करेगा, बीच मिठाई आइए इधर, वेट 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 और थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा चेयर थोड़ा सा चले जाओ, थोड़ा सा इधर आइए, पूरा वेट है पूरा द्वारा से, थोड़ा सा और आगे और आगे, चलिए अभी नेक्स्ट चलिए, ये नहीं नहीं ये जी सर, रोहित जी अपना परिचय दे रहे हैं और क्या कहेंगे? दो लड़कियों से काम नहीं चलेगा, 16,000 रानियां। एक बार मैंने सपना देखा था कि किशन बनाएगा और रोहित लेकर रहा हूँ और शायद मुझे मैं व्याकुल हूँ वो चीज पे, उस जगह पे खड़े हो। रोहित आपकी पहली फिल्म काफी पहले आ चुकी है, काफी लंबे वक्त के बाद ये फिल्म कर रहे हैं, क्या कारण रहा है? कारण सर बहुत कुछ रहा है, कुछ नाम नहीं लूँगा मैं, कुछ प्रोड्यूसर्स होते हैं, कुछ डिस्ट्रीब्यूशन रहते हैं, और फिर जब बनाता हूँ मैं फिल्म तो ऑडियंस के लिए बनाता हूँ, वो पसंद करते हैं, लेकिन है मार्केट है वो चलती नहीं है, उसके बाद फिर एक्टर हूँ, जहाँ काम मिलेगा वहाँ खड़ा हो जाएगा। मुल्ता कहाँ के रहने वाले हैं? मैं रहने वाला हूँ, मेरा गाँव पड़ता बलिया और यहाँ मिले। जी आप काफ़ी समय से आ गई, मतलब बहुत समय तो नहीं कह सकते, काफी अच्छा कॉन्सेप्ट था टीनेजर लव स्टोरी, उसके
बॉन्डिंग रही, काफी अच्छा कॉन्सेप्ट था जाने का, तो बहुत मजा आया। अभी तो बस आप लोगों को प्यार आशीर्वाद से करने जा रही हूँ, बस मैं चाहूंगी और गुजारिश करूंगी कि आप लोग अपना प्यार आशीर्वाद दीजिए। राजी जी आपसे जानना चाहेंगे कि इस कैरेक्टर में इन दोनों का रोहित और जोया का क्यों आपने चुना है? भवन ये हमारे किरदार को फिट बैठ रहे थे, हमारा ही संकल्प दिखा दे, हमारे जो बैठे मैं जानना चाहूँगा, जैसा आपने कहा कि किसानी के पास फिल्म कर चुकी हैं आप, हाल ही में उनका एक एल्बम आया है जिसमें वो सारी पहन के, उसके लिए बताइए कि कितना ज़्यादा उन्हें कलाकार के तौर पर एक विविधता है, मतलब खुशी करने को। मैं बता दूँ कि अभी किसानी जी एक ऐसे इंसान है जो एक एक्टर से अच्छा वो बहुत अच्छे इंसान है, उनका नेचर बहुत ही अच्छा है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, मुझे बहुत मतलब डर गई थी कि फर्स्ट टाइम काम कर रहा हूँ, कैसा फील होगा, कैसे वो रिएक्ट करेंगे, बट बहुत अच्छी इंसान है। आप लोग इतना मुझे प्यार दो और आप लोग कमेंट बॉक्स में इतना मतलब बोलो कि मैं दूसरी होगी, क्योंकि वो खुद सामने से बोले कि इंसान के तौर पर अपनी तारीफ की, कलाकार के तौर पर जैसे मैंने कहा कि जैसे साड़ी पहन के क्या है या कोई भी वस्त्र पहनने या कोई भी अलग कैरेक्टर प्ले करते हैं तो उसमें उसके अरेंजमेंट नहीं करें। साड़ी में उनको उनको साड़ी में खेसारी को बहुत पसंद किया जाता है, तो आप कितना पसंद करते हैं खेसारी को एज ए साड़ी में? भाई 80% काफ़ी अच्छे लगते हैं, काफ़ी ठीक लगते हैं और काफ़ी अच्छे इंसान है, काफ़ी अच्छे एक्टर है, उनके साथ मैं भी चाहती हूँ, बहुत फेवरेट मेरे एक्टर है, मैं चाहती हूँ उनके साथ और काम करना, तो आप लोग बहुत प्यार दें कि मैं उनके साथ जल्दी से जल्दी करना। सर ये जानना चाहूँगा दिनेश जी के साथ काम क्या, किसानी के साथ काम क्या, दोनों में कुछ गुण और थोड़ा कमी हर किसी में होता है, उसके हमें बताइए क्या करना चाहेंगे? लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है सारी जी एक बहुत डिसेंट इंसान है, बहुत देखा जाए तो वो किसी का जल्दी जवाब नहीं देते, वो प्यार से उस चीज़ को सॉल्व करते हैं, प्यार से ट्रांसफर देते हैं, काफ़ी नजर करते हैं, वो भी काफ़ी अच्छी है। एक तो बहुत अच्छा करते हैं क्योंकि मैं सेम पर रहती हूँ, बहुत सारी चीज़ें बहुत चीज़ों को मैंने सीखा अक्षरा जी से भी, मैंने बहुत चीज़ें सीखी कि इंडस्ट्री में कैसे क्या होता है, कैसे हाँ, इसमें तो ऐसे सारे जी काफी अच्छे हैं कि उनका पे जल्दी पकड़ नहीं पाता है और बहुत औसम डांस करते हैं, जो भी स्टेबल का होता है कमाल का। इस फिल्म के जो कृष्ण कन्हैया हैं उनके बारे में कुछ कहेंगी? राजीव जी आप क्या कहना चाहेंगे हमारे हीरो के बारे में? देखिए हमारे हीरो के बारे में तो हमारे हिसाब से हमसे ज़्यादा बेहतर आप समझते हैं, उनका लुक देख लीजिए, ठीक है, एकदम डैशिंग दिखते हैं, मतलब एक साथ इंसान बहुत अच्छे, मतलब एक साथ 10 फिल्में करने वाले उनको लेकर भी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए थैंक यू।